एक सवाल था कि जैसे आजकल हमारे खिलाफ इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसमें बाद एलिगेशंस लगते हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई जैसे कोई जवाब देना चाहिए, बाज तो बिल्कुल ही यूज़लेस होते हैं। सवाल है, सारे सारे गलत ही होते हैं, बाकी इतराज़ करने वाले तो इतराज़ ही करना है ना। तो उसका क्या हम जवाब दे सकते हैं, अगर आप अगर लगे कि हम उसके लायक हैं दे सकते हैं जवाब? बात यह है कि कहाँ आ रही है, किस 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 में आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट चल रही है ना आजकल, तो ज़्यादातर तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसमें बात फेसबुक पे भी चला रहे हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन alislam.org ने अपनी फेसबुक बना दी है ना, वो बन गई है, उनको मैंने कहा था बनाएं, वो बन गई है। उस पर तुमने जो जवाब देना दो वो उसको देखेंगे, अगर तुम्हारा जवाब इस काबिल है कि नहीं, नहीं तो खुद खुद दोबारा जवाब डाल देंगे। एक जवाब अगर देना है तो फिर इस तरह देना चाहिए जो ठोस सॉलिड जवाब हो, जिसको तुम मुंह बंद कर सको। ये नहीं कि खुद भी बैठ जाओ, बाज़ दफ़ा यहाँ अलोमा और तकबीर चैनल पे हमारे पास जोश में आके MD फ़ोन तो कर देते हैं, लेकिन आगे फिर मुश्किल पैदा होती है उनको जवाब देने में। जी तो तुम तो नहीं थे उसमें हैं? उसको फिर जब दिक्कत पैदा होती है फिर बेचारे, मतलब एक वो होशियार मौलवी हैं जी, वो इतराज़ करने वाले तो गलत तरीक़ों से इतराज़ कर जाते हैं जी, बिल्कुल बात बातों को पता नहीं होता जी। तो इसलिए, क्योंकि इनके इतराज़ इतने घटिया और जलील किस्म के होते हैं कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते जी, बिल्कुल हैं जी। वो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो झांग के लोग हैं ना, बस अमूमन ये मशहूर है जो पुराने थे, बल्कि वो कहते हैं, एक शख्स ने खुद कहा, और हम जो रवा में रहने वाले आबाद हुए ना हिजरत के बाद कादियान से और मुख्तलिफ जगहों से, वो महाजर के लाते हैं, हैं, और वो लोकल लोग के लाते हैं, और वो लोग अपने जो चोरी चिकारी और इस किस्म के काम है ना, या दौल गाना चक्कर देना, इसमें बहुत बड़े हुए हैं, हैं, लोकल लोग। तो एक आदमी आके कहने लगा, मैंने खुद सुना है, कि जहाँ आप हमारे ये इस किस्म के चक्री किस्म के काम है ना, गलत किस्म के काम, उसमें जहाँ आप लोग जो महाजर हैं उनके अकलमंद की अकल ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारे बेवकूफ़ की अकल शुरू होती है। तो इसलिए इन मौलवियों के दाम में जो ना ये ऐसे चक्री हैं तो बार दफ़ा फंसा लेते हैं, इसलिए बड़ी होशियारी से इनके जवाब देने होते हैं जी। होता कुछ नहीं है इनमें, यह नहीं वो हकीकत है जी। होती फजूल बातें हैं बिल्कुल, जैसे तुमने भी कहा बकवास किस्म की, लेकिन पता नहीं इस शाह साहब को हंसी आ गई, तुम तो नहीं कहीं फंस गए थे उनके एग्जाम हैं? तुम यहाँ आके बता देता कि देख ले तुम्हारा चेहरा, क्या किस्सा हुआ है तुम्हारे साथ? जी मेरे साथ नहीं हुआ सर। हाँ वैसे हंसी आ गई थी। अच्छा समझ आई। तो बाकी जवाब अगर देने हैं तो दे दो, इसलिए जवाब एक तो अच्छी तरह दो, इत्तला तैयार करके अगर तैयारी की है ये तो फिर दो, नहीं तो जवाब देने वाले मौजूद हैं, वो दे रहे हैं जवाब। हर एक का जवाब दिया जा रहा है, ये नहीं कि जवाब नहीं हम देते, कोई ऐसा इतराज़ नहीं जिसका जवाब ना हो, और जवाब वही हैं जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इतराज़ जो हैं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुए, उनके जवाब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दे चुके हैं। हैं उनको असल में अगर तुम गिनो ना तो 100-150 इतराज़ ही है जो पिछले 120 साल से चल रहा है, उसको कभी आगे पीछे अल्फाज करके ना उसको आगे बढ़ा बढ़ू लेते हैं, अदरवाइज उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके जवाब ना हो। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि मेरी किताब जो हकीकत वही है, इसको तुम पढ़ लो तो तुम इन सारों के जवाब दे दोगे, अगर अच्छी ज़ुबानी याद कर लो जितने इतराज़ हैं। तो बल्कि ये भी लिखा है कि जो इतराज़ करने वाले हैं वो पढ़ लें तो इतराज़ ना करें, लेकिन पढ़ते नहीं।